आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सॉल्व पेपर पढ़ा था। हमने उसको आधा सॉल्व पेपर पढ़ लिया था और आधा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आपको उस वीडियो की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे पास ये क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करने के लिए पुट जेड बराबर हमने मान लिया लॉग एक्स या एक्स बराबर ई की पावर जेड, ये हमने मान लिया। तो ऐसा मानने पर हमारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाता है डी क्वेश्चन डी माइनस वन अपॉन वाई, वहाँ जहाँ पे डी बराबर डी अपॉन डी जेड है और एक्स डी वाई अपॉन डी जेड इक्वल टू डी वाई, जहाँ डी बराबर डी जेड है। पुट दीज वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, ये वैल्यू हमने गिवन इक्वेशन में रख दी। तो हमारे पास आ जाता है डी डी माइनस वन प्लस डी माइनस वन इक्वल टू ई की पावर टू जेड। यहाँ पे हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स से ई की पावर जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो वो ई की पावर टू जेड आ जाएगा। इस तरह से हमने वैल्यू रख दी डी डी माइनस वन प्लस डी माइनस वन, तो ये आ गया डी स्क्वायर माइनस वन बराबर ई की पावर टू जेड। अब हमें इसका सी एफ निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं जिसको, या पूरक फलन हिंदी में बोलते हैं। सी एफ निकालने के लिए हमने पहले भी बताया था, सिंपली राइट हैंड साइड को हम जीरो लिख देते हैं, राइट हैंड साइड को जीरो लिख देते हैं तथा वाई को हम बटा के और जो डी होता है वहाँ पे एम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एम इक्वल टू हो गया प्लस माइनस वन। तो सी एफ आ गया सी वन ई की पावर जेड प्लस सी टू ई की पावर माइनस जेड, और पी आई आ गया। अब हम पी आई निकालते हैं, ई की पावर जेड, ई की पावर जेड बराबर क्या है अपने पास, ई की पावर जेड बराबर है अपने पास यहाँ से e की पावर जेड बराबर एक्स, तो ये आ गया सी वन एक्स और सी टू एक्स की पावर माइनस वन, ये हो गया। अब हम पी आई निकालते हैं, पी आई होता है वन अपॉन एफ डी क्यू जेड। अब e की पावर टू जेड है तो वन अपॉन, ये वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन ई की पावर टू जेड। अगर हम, जब हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा था फिर पुराने वीडियो में, अगर यहाँ पे ये जीरो नहीं हो रहा होगा वन अपॉन एफ जो कि ई अल्फा हो, जैसे ई की पावर अल्फा जेड हो और वन अपॉन एफ डी हो, एफ एल्फा इक्वल नॉट जीरो हो, तो हमने फॉर्मूला लिखा था सीधा हम डी की जगह रिप्लेस कर देते हैं एल्फा को, तो हमने रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया वन बाई थ्री ई की पावर टू जेड। बट ई की पावर जेड बराबर अपने पास एक्स है तो ई की पावर टू जेड बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। तो अपने पास सॉल्यूशन आ गया वाई बराबर सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स इनवर्स प्लस वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर फाइव का बी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव का बी क्या था हमारे पास, ये था अब सॉल्व करना था डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड बराबर डी वाई अपॉन टू एक्स वाई बराबर डी जेड अपॉन टू एक्स जेड, इसको सॉल्व करना था। हमने ये इसको सॉल्व करने के, हम लैग्रांज इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। लैग्रांज इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम पहले किन दो पदों को ले लेते हैं इनके, तो ये दो पद ले लिए हमने डी वाई, ये ले लिया हमने डी वाई अपॉन टू एक्स वाई इक्वल टू डी डी जेड अपॉन टू एक्स जेड, ये दो पद ले लिए हमने। तो इसको करने पर टू एक्स से टू एक्स कट जाएगा दोनों तरफ से, तो ये जाएगा डी वाई अपॉन वाई एंड डी जेड अपॉन जेड, तो ये आ गया लॉग वाई, इंटीग्रेशन कर दिया तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग जेड प्लस लॉग सी, तो ये आ गया वाई अपॉन जेड, क्योंकि इसको इधर लाए तो लॉग वाई माइनस लॉग जेड होगा, जो कि जिसको हम लिख सकते हैं लॉग वाई वाई अपॉन जेड इक्वल टू लॉग सी, एंटी लॉग लेने पर आ जाएगा वाई अपॉन जेड इक्वल टू सी। अब हमने दूसरा, इसके दो सॉल्यूशन निकालने होते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ तीन इक्वेशन है, तो इसके दो दो सॉल्यूशन निकालने होते हैं, एन माइनस वन सॉल्यूशन निकालते हैं अगर एन इक्वेशन हो तो। अब हमारे पास यहाँ पे हमने दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने सिंपली देखा कि अगर हम इसमें एक्स वाई और जेड का मल्टीप्लाई कर दें रेस्पेक्टली, इसमें जैसे इसमें एक्स डी एक्स कर दें प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड करके हम करें सॉल्व करें, तो हमारे पास ये आ जाता है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल अपॉन, जो अपॉन में आएगा वो आ जाएगा इसका, इनमें मल्टीप्लाई करके जोड़ो तो आ जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बाई का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो टू एक्स वाई स्क्वायर, टू एक्स वाई स्क्वायर इसी तरह वहाँ यहाँ पे जेड का मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस टू एक्स जेड स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे देखा इसमें से एक्स वाई स्क्वायर, एक एक्स वाई स्क्वायर इसमें से चला जाएगा लेकिन प्लस का एक्स वाई स्क्वायर एक रह जाएगा, इसी तरह यहाँ से एक्स जेड स्क्वायर में से एक एक्स एक्स जेड स्क्वायर चला जाएगा, तो ये हमारे पास जो बच गया वो बच गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू अपॉन एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बच गया। अब इसको हमने मान लिया कि ये कोई इसका चौथा पद है, तीन पद ये रहे
और चौथा पद ये रहा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनाया है। अब इसका मतलब ये नहीं है हमने चौथा पद माना है तो इसके हमें तीन सॉल्यूशन निकालने होंगे, नहीं, हमें जो गिवन पद थे वो तीन ही हैं तो दो ही सॉल्यूशन निकालने हैं हमें। अब हमने ले लिया चौथा पद एवं सेकंड पद। सेकंड पद क्या था, सेकंड पद दिया था डी वाई अपॉन टू एक्स वाई, ये ले लिया हमने। तो हम देख सकते हैं एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये बच गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर और डी वाई अपॉन टू वाई। अब हमने पुट कर दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये आ गया इससे हमारे पास एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू टी डी टी। वैसे तो इसमें टू एक्स डी एक्स आएगा प्लस टू वाई डी वाई आएगा प्लस टू जेड डी जेड आएगा प्लस इक्वल टू टू टी डी टी आएगा, लेकिन टू से टू कॉमन लेके काट दिया हमने। अब ये आ गया हमारे पास टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर और इधर आ गया वन अपॉन टू वाई डी वाई। टी से वन एक टी गया तो ये वन अपॉन टी डी टी इक्वल टू वन अपॉन टू वाई डी वाई ये आ गया। हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन करने पर इसका आ गया, इसको टू को हम इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो टू तो यहाँ पे गए लॉग टी इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग सी। अब लॉग वाई को हम इधर ले आए तो ये हो गया लॉग, ये हो जाएगा लॉग टी स्क्वायर माइनस लॉग वाई प्लस लॉग इक्वल टू लॉग सी। तो ये हो जाएगा लॉग टी स्क्वायर अपन वाई एम माइनस लॉग एन वाला फॉर्मूला है, लॉग टी स्क्वायर अपन वाई ये हो गया इक्वल टू लॉग सी। तो टी स्क्वायर अपन वाई इक्वल टू सी टू, बट टी स्क्वायर क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और वाई मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो इक्वल टू सी टू वाई। इस तरह से जो दोनों इक्वेशन आई है ये दोनों इक्वेशन मिलके हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन थी उसके जो इक्वेशन आ जाती है वो आ जाती है सॉल्यूशन वाई अपॉन जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टी, जो यू इनके फंक्शन है इसका सॉल्यूशन आ गया। अब हमने सेवन का एक पिछली वीडियो में कर लिया था, अब सेवन का बी इसमें हम करते हैं। सेवन का बी क्या कहता है, डी वाई अपॉन डी एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया फर्स्ट डॉट सेकंड रूल से। तो इसको पहले हमने कोस स्क्वायर एक्स को छोड़ दिया तो कोस स्क्वायर एक्स को छोड़ के इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स को स्क्वायर छोड़ दिया पीछे रख दिया इसको और इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आ गया टू कोस एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस टू कोस एक्स साइन एक्स प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। अब हमने कोस स्क्वायर वाई एक्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने पर आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो ये आ गया। अब हमने मान लिया वाई बराबर यू वी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये मानने पर हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाता है यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी वी वी डी यू अपॉन डी एक्स। फिर से अब हमने इसके इसकी जो तुलना करते हैं उससे करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। इससे हम इसकी तुलना करते हैं इस इक्वेशन की तो हमारे पास पी बराबर आ जाता है माइनस टू टेन एक्स और क्यू बराबर आ जाता है वन एंड आर बराबर आ जाता है जीरो। अब हम इसका जो नॉर्मल रूप होता है उसके लिए हम पहले यू निकालते हैं। यू क्या होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टू पी ऑफ डी एक्स, तो एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाई टू सॉरी एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाई टू होता है एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन और जो पी था वो माइनस टू टेन एक्स था डी एक्स, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल लॉग इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ सेक एक्स ये टू से इधर मल्टीप्लाई के हो गया ये कट गया तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल लॉग सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स ये आ गया हमारे पास। नाउ इफ बी पुट वाई बराबर यू बी इन इक्वेशन स्टार बी विल चेंज, मतलब हमारे पास जो स्वतंत्र चर का हमें परिवर्तन करना है उसके अकॉर्डिंग परिवर्तित हो जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू एक्स वे आई इक्वल टू क्यू माइनस वन बाई फोर पी स्क्वायर माइनस वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स ये है होता है आई इक्वल टू। फ्रेंड्स अब हमने इसमें आई में वैल्यू रख दी तो वन माइनस फोर जो टेन पी स्क्वायर था वो फोर टेन स्क्वायर एक्स अपॉन फोर माइनस वन अपॉन टू सेक स्क्वायर एक्स, इस तरह आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, बट सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है तो वन प्लस वन इक्वल टू टू, तो आ गया डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू वी इक्वल टू जीरो।
अब हमें इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका सिंपली जो आर है इसका जीरो है राइट हैंड साइड में, तो इसका जो सी एफ होगा वही अपने पास इसका सॉल्यूशन होगा, तो वी बराबर आ जाएगा अपने पास, इसका सी एफ निकालते हैं, तो उसके लिए हमें एक्चुअली इक्वेशन निकालनी होगी, वो आ जाएगी अपने पास एम स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये आने पर हमारे पास इसकी ए ही आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो उसको हम एम बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट टू आयोटा, ये आ जाएगा, तो इसकी सी एफ जो आ जाएगी वो आ जाएगी बी वन सी वन कॉस टू एक्स प्लस, क्योंकि अपने पास रूट टू है इस तरह से हम अब सी एफ निकाल सकते हैं, तो वो अभी आ जाएगा बी बराबर सी वन कॉस रूट टू एक्स प्लस सी टू साइन रूट टू एक्स। अब ये आ गया अपने पास, तो वाई बराबर आ गया यू डॉट बी, यू बराबर क्या है अपने पास सेक एक्स, तो सेक एक्स ये रहा, और बी बराबर क्या था सी वन कॉस रूट टू एक्स प्लस सी टू साइन रूट टू एक्स, ये अपना इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। अब फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो था पी प्लस थ्री क्यू, जो यूनिट नंबर फाइव का था, पी प्लस थ्री क्यू इक्वल टू फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस जेड थ्री एक्स सॉरी वाई माइनस थ्री एक्स, इसको हमें सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करने के लिए हम लैग्रेंज इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। लैग्रेंज इक्वेशन क्या कहती है, अगर इस तरह से पी प्लस क्यू एन क्यू बराबर फॉर्म में हो, तो इस फॉर्म में हो, मतलब पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर फॉर्म में हो, तो हम उसको सिंपली डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने इस तरह से लिख दिया डी एक्स अपॉन वन बराबर डी वाई अपॉन थ्री इक्वल टू डी जेड अपॉन फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स। अब हमने पहले दो पद ले लिए इसमें से डी एक्स अपॉन वन एंड डी वाई अपॉन थ्री, ये दो ले लिए, तो इससे आ गया डी एक्स अपॉन वन बराबर डी वाई अपॉन थ्री, इसका इधर होगा थ्री डी एक्स इक्वल टू डी वाई, यानी बाई माइनस इंटीग्रेशन करने पर बाई माइनस थ्री एक्स इक्वल टू सी वन, कोई कॉन्स्टेंट आ गया सी वन, ये आ गए, तो हम ये वैल्यू अगर बाई माइनस थ्री एक्स वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो अपने पास ये आ जाता है, और पहला और थर्ड पद ले लिया हमने, तो डी एक्स अपॉन वन इक्वल टू डी जेड अपॉन फाइव जेड प्लस टेन सी वन। अब हम सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये आ जाता है, ये तो एक्स आ जाएगा, इसका आ जाएगा वन अपॉन फाइव लॉग फाइव जेड प्लस टेन जेड। अब जेड की हमें सॉरी टेन सी है, टेन सी की वैल्यू हमें रखनी है, तो आ जाएगा ये तो इधर मल्टीप्लाई हुआ फाइव एक्स लॉग फाइव जेड प्लस टेन सी इक्वल टू लॉग सी वन, कोई अलग से कॉन्स्टेंट हो गया, तो ये हो गया अपने पास फाइव जेड प्लस टेन सी सी वन इक्वल टू लॉग ए की पावर फाइव एक्स, ये हो गया। अब सी वन की वैल्यू हम लिख देते हैं, तो ये आ जाता है फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स सी वन इक्वल टू ई की पावर फाइव एक्स। ये जो अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो मिलके होंगे ना, वो अपने सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे, ये तो ये पार्ट फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स सी वन इक्वल टू ई की पावर फाइव एक्स, ये जो फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट होंगे दोनों मिलकर अपने पास सॉल्यूशन दे देंगे। अब फ्रेंड्स अपने पास लास्ट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था सॉल्व बाय चारपित मेथड, हमें इसको चारपित मेथड से सॉल्व करना था, और क्वेश्चन दी हुई थी टू एक्स जेड माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स वाई प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास दी हुई है। तो यहाँ पे हम चारपित मेथड के लिए पहले से सबसे पहले इसको हम एफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर जीरो के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो फंक्शन हो जाता है टू एक्स जेड माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स वाई प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो। अब ये चारपित इक्वेशन क्या कहती है, अपने पास जो चारपित इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी जेड बराबर होता है माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू एंड डी एक्स बराबर होता है माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी और डी इक्वल टू डी डी वाई बटे डेल एफ अपॉन डेल माइनस डेल क्यू और डी एफ इक्वल टू जीरो। अब हमने यहाँ पे इसके लिए हमारे पास जो चाहिए वो सभी का इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन चाहिए, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तो हमने निकाल लिया फंक्शन का, पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला तो टू एक्स माइनस पी माइनस टू पी एक्स माइनस टू पी वाई, इसी तरह डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला तो माइनस टू क्यू एक्स आ गया, डेल एफ अपॉन डेल पी निकाला तो माइनस एक्स स्क्वायर क्यू आ गया, डेल एफ अपॉन डेल जेड निकाला तो टू एक्स आ गया, डेल एफ अपॉन डेल क्यू आ गया तो माइनस टू एक्स वाई प्लस पी आ गया। अब फ्रेंड्स हम ये जो क्वेश्चन निकाली हैं, हम ये जो फॉर्म निकाले हैं ये हमको इसमें रख देने हैं, इसमें पुट करने के बाद हमारे पास जो आता है वो है डी पी अपॉन टू जेड माइनस टू क्यू वाई इक्वल टू डी क्यू अपॉन जीरो डी जेड अपॉन पी एक्स स्क्वायर माइनस टू पी वाई प्लस टू एक्स वाई जेड इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पी
इक्वल टू डी वाई अपॉन टू एक्स वाई माइनस पी। फ्रेंड्स अब हमें उसमें सॉल्यूशन निकालते हैं, हमें कोई एक सॉल्यूशन निकालना होता है जिससे कि पी या तो पी बराबर कुछ आ जाए हमारे पास, या क्यू बराबर कुछ आ जाए, या पी क्यू में कोई रिलेशन आ जाए इस तरह से कि हमारे पास जो रिलेशन आए उसकी हेल्प से, हमें जो गिवन इक्वेशन दी हुई होती है उसकी हेल्प से, हमें दोनों के हेल्प से पी और क्यू अलग अलग निकल जाए। तो हमारे पास सिंपली यहाँ से डी क्यू अपॉन जीरो आ रहा है, तो डी क्यू अपॉन जीरो अप्लाई करता है क्यू इक्वल टू जीरो, सॉरी डी क्यू इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया अपने पास डी क्यू बराबर क्यू बराबर सी वन, ये आ गया। नाउ पुट वैल्यू क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, जो हमने पास गिवन इक्वेशन थी, ये गिवन इक्वेशन थी, इसमें हमने वैल्यू रख दी, ये हमने वैल्यू रख दी, तो ये आ गया हमने पी बराबर टू एक्स जेड माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स वाई प्लस सी पी इक्वल टू जीरो। अब हमने यहाँ से p कॉमन ले लिया और बाकी इसको टर्म को इधर पहुँच भेज दिया, तो ये आ गया टू जेड अपॉन जेड माइनस सी वाई अपॉन ये जो इसका जो कॉमन लेके जो आया था वो एक्स स्क्वायर माइनस सी, इसके नीचे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो होता है डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब हमारे पास डी जेड बराबर पी की वैल्यू है टू एक्स माइनस जेड टू एक्स जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स प्लस ए डी वाई, ये हमारे पास है। तो हमने सिंपली इसको क्या किया, ए को बदल ले गए, तो डी जेड माइनस ए डी वाई अपॉन जेड माइनस ए वाई, ये जो जेड माइनस ए वाई का मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स, ये हो गया। हमने फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली हमने ये देख सकते हैं, हम अगर इसको हम टी मान लें तो हमारे पास ऊपर यही वैल्यू आ जाती डी जेड माइनस ए डी वाई बराबर डी टी, तो वन अपॉन टी ऑफ डी टी, और इसके इसके हेल्प से इसको भी हमने टी मान लिया, तो इस दोनों का हमने इंटीग्रेशन कर दिया इस तरह से, तो ये आ गया लॉग जेड माइनस ए वाई इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस लॉग सी। अब इसको हम इधर ले गए तो लॉग जेड माइनस ए वाई माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू लॉग सी होगा, तो लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर फॉर्मूला लग जाएगा, तो लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर क्या होता है लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू लॉग सी, मतलब लॉग ये हो गया लॉग जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू लॉग सी, एंटी लॉग ले लिया तो हमारे पास आ गया एक्स माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू सी, विच इज द कम्प्लीट सॉल्यूशन, जो कि हमारे पास कम्प्लीट सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स थैंक यू, आपको हमारे द्वारा सॉल्व पेपर कैसा लगा है इसको बताइए, और हम आपको कौन सा पेपर सॉल्व चाहिए उसका वो हमें भेज सकते हो कमेंट्स में। साथ ही आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाकी सॉल्व पेपर धीरे धीरे मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब प्लीज।